हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक स्ट्रीम। यहाँ पर एएफसी एशिया कप का मैच हो रहा है हांगकांग वर्सेस पैलेस्टीन के बीच, जो कि खेला जाएगा यहाँ पर 8:30 बजे। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, देखो भाई, हांगकांग और फैलेस्तीन में जो मैच हो रहा है इसके अंदर, मैं हांगकांग और फिलिस्तीन के अंदर, मैं देखो जिस टीम को रैंकिंग देख के अगर बोलूँ तो फिलिस्तीन इनसे थोड़ी आगे है। ये टीम भाई साहब 150 नंबर पे रैंक करती है और ये टीम 99, फ़र्क ज़्यादा है। लेकिन देखा जाए तो दोनों ही अच्छी नहीं है। अगर आप सही मायने में बताऊँ तो दोनों ही टीम बकवास है, जेन्युइन बता रहा हूँ आपको। एएफसी लीग के अंदर ऐसी रैंकिंग के साथ खेलना बहुत बेकार है। मतलब मैं कहता हूँ कि दोनों टीम ही गोल ना करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आपने एक पर ट्रस्ट किया और वो ट्रस्ट पे खरी ना उतरी तो बहुत बुरा हार सकते हो। हो सकता है आपकी टीम 200-250 पॉइंट तक भी ना पहुंच पाए अगर वैसा हुआ। इसलिए इस टीम के अंदर थोड़ा सा देख के टीम बनाना। तो चलते हैं आगे। देखो भाई, जब दो टीम्स वीक हों तो गोल एक्सपेक्ट करना होता है मुश्किल, लेकिन 50% देखा गया गोल आता है और 50% देखा गया कई बार गोल नहीं आता। तो अब आपको बता दूं कि स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर आपने हांगकांग का पहला प्लेयर जिसका नाम है एवर्टन कमारगो, इसको तो देखो लेना ही लेना है। जिस बंदे को हमने ईरान जैसी टीम के आगे नहीं छोड़ा, आज क्यों छोड़ेंगे, बहुत सोचने वाली बात है भाई। ठीक है, तो हम इसको लेंगे। उसके बाद आगे से बात करूँ तो यहाँ पर पैलेस्टीन का एक प्लेयर है जिसका नाम है ओदे देबक, ये देखो जरूरी लेना है आपने। पिछले मैच के अंदर 3 बार इस बंदे ने गोल करने की कोशिश की थी, बेचारा तीनों में नाकाम रहा। अगर एक भी हो जाता देन आप पता ही आपको फिर, तो मैं इसको वो ऐसे नहीं बोल रहा। एंड जेड कुनबर की बात करें तो इसका अगर गोल आया तो जीएल वाले ध्यान रखें, ये वही लेंगे जीएल वाले, क्योंकि अगर जीएल में भाई आपने टीम में लिया और अगर एक आध गोल आ गया तो आपको फ़ायदा हो सकता है, देन यू कैन गो विद दिस प्लेयर। और मिडफील्डिंग की बात तो यहाँ पर टी सेम का पहला गोल आ गया था, सेकंड मैच में भी गोल आ जाता लेकिन पेनल्टी मिस कर दी बंदे ने। देखो ये री पेनल्टी मिस, ठीक है, और एक असिस्ट की थी और बहुत अच्छा खेलता है सेम। में मेरे को एक चीज़ दिखती है कि जैसे जितने भी, देखो मैंने फिलिस्तीन टीम का मैच आई थिंक तीसरी बार ये कवर कर रहा हूँ मैं अपने लाइफ करियर के अंदर, मतलब जितना मुझे फेंटेसी का करियर है उसके अंदर देखा जाए तो सेम का ये जो मैच है सेम को मैं बहुत बहुत, मतलब मैंने इसको देखा नहीं है तो ये मेरे लिए एक न्यू है। तो 3 मैच के अंदर, 2 मैच के अंदर जैसा भी इसने खेला है मैं वो बता सकता हूँ कि जेन्युइन खेला है, क्योंकि आगे बढ़ बढ़ कर खेलता है तो ये चीज़ अच्छी है। उसके बाद अबू वारदा को लूँगा, नहीं छोड़ना किसी भी प्लेयर के चक्कर में। उसके बाद C10, गलती भी मत करना C10 को भी छोड़ने की, ये मैंने पिछले वीडियो में कहा था। उसके बाद एम और करके एक प्लेयर है हांगकांग का, ये वैसे बहुत अच्छा है, ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। ये एम और को मैं पागल थोड़ना यार, मैं हर बार अपनी टीम में लेता हूँ तो इसके पीछे कोई रीज़न है तभी तो ले रहा हूँ। अब कई लोग बोलेंगे हमारा ओपोनेंट तो 5 डिफेंडर ले आया, हम हार गए। देखो भाई, 5 भी लाएंगे, 3 भी लाएंगे, कहीं 4 भी लाएंगे, तो ये आप अपना सोचो, ठीक है। तो आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तो देखो मैं आपको बोलूँगा पहला प्लेयर एम बातत को लेने को, बातत के बाद सेल्डना, वाई अहमद मेयर की जगह मैं लूँगा यहाँ पर अपनी टीम में एम टर्मिनैनी, और एक प्लेयर अपोजिशन टीम का होगा जो कि है हमारी टीम के अंदर वो गैरबिग, अगर खेला, क्योंकि जिस हिसाब से दोनों मैचेस में खेला है लग तो नहीं रहा खिलाएंगे, लेकिन अगर खिला दिया तो वो अच्छी बात है। एंड गोलकीपिंग की बात करें, गोलकीपिंग के अंदर वाई हंग फय को लूँगा। बात करूँ कप्तान की, कप्तान है मेरी टीम का यहाँ पर हो डैबग, वाइस कप्तान है मेरी टीम के अंदर ई कमारगो। अब कई लोग बोलेंगे तूने तो भाई टी सीएम को रखा ही नहीं, तो ऐसा है कि टी सीएम को आप वाइस कैप्टन रख सकते हो मेरी टीम में। आप ई कमारगो के ऊपर से वाइस कैप्टनशिप हटाते हो अगर और इसको रखते हो सकता है आप मेरे से भी अच्छा जीतो, ठीक है, बट मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं इसलिए मैंने नहीं रखा। तो ये मेरी टीम में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।